स्टडी टूबिन में आपका स्वागत है। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो विविध की प्रक्रिया को आगे जारी रखते हुए आगे हम खेल कूद को देखते हैं, जिसमें है ओलंपिक खेल। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया है। यह खेल तब से 4 वर्षों में एक बार 394 ईस्वी तक खेले गए। फिर रोम के राजा थियोडोटियस के आदेश के कारण इस खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ईस्वी को फ्रांस के बैरन पियरी डी कोबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ। इसका आयोजन भी प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में सखोन नामक स्थान पर हुई है। इसका मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली संस्था है। इस समिति की एक कार्यकारिणी होती है जिसमें एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष तथा 7 अन्य सदस्य होते हैं। यह संस्था ओलंपिक खेलों का स्थान, नियम, संचालन आदि निर्धारण करती है। नोट: भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी और सर जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अब तक के अध्यक्ष डिमिट्रियास बिकेलास यूनान 1894 से 96 तक, बैरन पियरी डी कोबार्टिन फ्रांस 1896 से 1925, काउंट हेनरी डी वैलेट लाटूर बेल्जियम 1925 से 42 तक, सिगफ्रिड एडस्ट्रोम स्वीडन 1946 से 52 तक, एवरी वुंडेज अमेरिका 1952 से 1972 तक, लॉर्ड किनानिन आयरलैंड 1972 से 1980, जुआन एंटोनियो समारांच स्पेन 1980 से 2001, जैक्यून रग्गा बेल्जियम 2001 से अब तक। ओलंपिक के आदर्श: ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक फ्लैग। बैरन पियरी डी कोबार्टिन के अध्यक्ष के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ। जून 1914 में इसका विधिवत उद्घाटन पेरिस में हुआ तथा इस ध्वज को सफ़ेद सर्वप्रथम 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। ध्वज की पृष्ठभूमि सफ़ेद है। सिल्क के बने ध्वज में मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करने के साथ निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा का प्रतीक है। नीला चक्र यूरोप के लिए, पीला चक्र एशिया के लिए, काला चक्र अफ्रीका के लिए, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया के लिए एवं लाल उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के लिए। अगला है ओलंपिक का उद्देश्य, ओलंपिक मोटो। सन 1897 में फादर्स डिटोन द्वारा रचित सिटियस अल्टियस फोर्टियस यानी कि लैटिन में ओलंपिक का उद्देश्य है, जिसका अर्थ है तेज, ऊंचा और बलवान। इसको ओलंपिक के उद्देश्य के रूप में पहली बार 1920 में एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक खेलों में प्रस्तुत किया गया। अगला है ओलंपिक मशाल, ओलंपिक फ्लेम। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत 1928 ईस्वी में एमस्टर्डम ओलंपिक में हुई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों की मशाल के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया। इसी समय से ओलंपिक मशाल को आयोजन स्थल तथा लाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इस मशाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया के में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है और वहां से आयोजन स्थल तक विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा लाई जाती है। इसी मशाल से खेल समारोह विशेष की मशाल प्रज्वलित की जाती है। अब ओलंपिक पदक, ओलंपिक मेडल्स। ओलंपिक खेलों में विजेताओं को 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं, पहला स्वर्ण, दूसरा रजत और तीसरा कांस्य पदक। स्वर्ण पदक 60 मिलीमीटर वृत्त में 1 3 मिलीमीटर मोटा होता है। यह 92.5% रजत परत युक्त 6 ग्राम सोना होता है। रजत पदक 60 मिलीमीटर वृत्त में एवं मोटाई 3 मिलीमीटर मोटाई वाला होता है। यह 92.5% रजत का बना होता है। कांस्य पूरी तरह कांस्य से बना हुआ होता है। स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को मिलता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की परंपरा 1920 ईस्वी के एंटवर्प ओलंपिक से
प्रारंभ हुई। ओलंपिक खेलों के प्रारंभ होने के पूर्व आयोजक देश का कोई एक खिलाड़ी समस्त प्रतियोगी देशों के खिलाड़ियों के प्रतिनिधि के रूप में शपथ ग्रहण करता है। ओलंपिक खेल समारोह में शुभांकर की परंपरा वर्ष 1868 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक से प्रारंभ हुई है। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे आगे और मेजबान देश की टीम सबसे पीछे रहती है। बाकी देशों की टीमों का स्थान अंग्रेजी बर्डवाला के अक्षरों के क्रम में निश्चित होती है। ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण 1960 के रोम ओलंपिक खेलों से प्रारंभ हुआ है। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में फिलिस्तानी आतंकवादी हमले में 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी यूएस के तैराक माइकल फिलिप्स हैं। गोल्डन शार्क के रूप में विख्यात फिलिप्स ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में तैराकी की विभिन्न स्पर्धाओं में 8 स्वर्ण पदक जीते। फिलिप्स ने 2004 में एथेंस ओलंपिक में भी 6 स्वर्ण तथा 2 कांस्य पदक जीते थे। फिलिप्स से पूर्व एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड यूएसए के मार्क स्पिट्स का था, जिन्होंने 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में तैराकी के विभिन्न स्पर्धाओं में 7 स्वर्ण पदक जीते थे। किसी ओलंपिक में सर्वाधिक 55 स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड रूस का है। रूस ने 55 स्वर्ण पदक 1988 में सियोल ओलंपिक में जीते थे। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी एक एंग्लो इंडियन नॉर्मन विजार्ड है, जिसने 1900 में के द्वितीय ओलंपिक में भाग लिया तथा एथलीट्स स्पर्धा में 2 रजत पदक जीत प्राप्त किया। महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी 1900 द्वितीय ओलंपिक खेलों से हुई है। ओलंपिक फुटबॉल में रेफरी का दायित्व निभाने वाली विश्व की प्रथम महिला कनाडा की सोनिया डेनान कोर्ड है। अटलांटा ओलंपिक 1996 में ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम लरीना लब्यालिना है, जिसने जिमनास्टिक वर्ग में सर्वाधिक 9 स्वर्ण पदक सहित कुल 18 पदक जीते हैं। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी क्रिस्टीना ओटी हैं। 1996 में सियोल ओलंपिक में क्रिस्टीना ओटी ने तैराकी में 6 स्वर्ण पदक जीती थी। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला मेरी लीला रो हैं। बीजिंग ओलंपिक के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 29वें ओलंपिक खेलों का उद्घाटन 8 अगस्त 2008 888 की रात्रि में 8:08 पर बीजिंग में नवनिर्मित नेशनल स्टेडियम बुट्स नेस्ट में चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ ने किया था। बीजिंग ओलंपिक खेलों का उद्घाटन 8 अगस्त को हुआ था, लेकिन इन खेलों के फुटबॉल मुकाबले औपचारिक उद्घाटन से 2 दिन पूर्व 6 अगस्त को ही प्रारंभ किए गए थे। इस ओलंपिक में 204 देशों में लगभग 11,000 खिलाड़ियों ने 31 आयोजन स्थलों पर 28 विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया। इन खेलों में सर्वाधिक 639 खिलाड़ियों का दल मेजबान चीन का था। दूसरे स्थान पर अमेरिका के स्थान 596 व तीसरे स्थान पर 467 खिलाड़ी रूस के थे। भारत के ने 57 खिलाड़ियों का पंजीकरण कराया था, परंतु भारोत्तोलक मोनिका देवी मणिपुर के डोपिंग मामले में फंसने के कारण अंतिम समय तक उन्हें रोक लिया गया। मोनिका को बाद में भारतीय खेल प्राधिकरण ने दोष मुक्त किया था, फिर भी उन्हें ओलंपिक में भाग नहीं लेने दिया गया था। उद्घाटन समारोह में ओलंपिक ज्योति 3 बार स्वर्ण पदक विजेता जिमनास्टिक लीनिंग ने प्रज्वलित की, जबकि खिलाड़ियों की ओर से शपथ एथेंस ओलंपिक में दोहरे स्वर्ण पदक विजेता टेबल टेनिस स्टार झांग विनिंग ने की। परंपरा अनुसार यूरोप के खिलाड़ी मार्च पास्ट में सबसे आगे थे, जबकि सबसे पीछे मेजबान चीन का दल था। 56 खिलाड़ियों वाला भारतीय दल मार्च पास्ट में 55वें स्थान पर था तथा तिरंगा थामे उनकी अगुवाई एथेंस ओलंपिक के रजत पदक विजेता निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौर ने की। बीजिंग ओलंपिक खेलों के शुभांकर को फुआ नाम दिया गया। फुआ चीन के लोकप्रिय जंतुओं तिब्बती हिरण, यिंगयांग अबाबील चिड़िया, नीनी मछली, बेई बेई पांडा, जिंग जिंग व ओलंपिक मशाल हुआन हुआन को प्रतिबिंबित करता है। इन सभी नामों को आपस में जोड़ने से वाक्य बनता है बेजिंग हुआंग इंग नी, जिसका अर्थ है बीजिंग में आपका स्वागत है। इसके अतिरिक्त फुआ
प्रकृति के पांच तत्वों सागर, जल, अग्नि, धरती व आकाश को भी प्रतिबिंबित करता है। बीजिंग ओलंपिक में दांव पर लगे स्वर्ण पदकों की कुल संख्या 302 थी। हॉकी पुरुष में कुछ प्रमुख खेल स्पर्धाओं के पदक हैं, जिसमें हॉकी में जर्मनी स्वर्ण पदक और स्पेन को रजत पदक और ऑस्ट्रेलिया को कांस्य पदक। फुटबॉल में अर्जेंटीना को स्वर्ण पदक, नाइजीरिया को रजत पदक, ब्राज़ील को कांस्य पदक। वॉलीबॉल अमेरिका, ब्राज़ील, रूस। बास्केटबॉल अमेरिका, स्पेन, अर्जेंटीना। वाटर पोलो हंगरी, अमेरिका, सर्बिया। बेसबॉल कोरियो, क्यूबा, अमेरिका। सॉफ्टबॉल नीदरलैंड्स, चीन। महिला में हॉकी में नीदरलैंड, चीन, अर्जेंटीना। फुटबॉल अमेरिका, ब्राज़ील, जर्मनी। वॉलीबॉल ब्राज़ील, अमेरिका, चीन। बास्केटबॉल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस। बेसबॉल वाटर पोलो नीदरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। सॉफ्टबॉल जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। चीन ने अपना पहला स्वर्ण पदक 1984 में जीता था। चीनी निशानेबाज जू हैफेंग ने लॉस एंजल्स ओलंपिक में 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। बीजिंग ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक चेक गणराज की कैटरीना इमोंस ने निशानेबाजी की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीती व अग्रिम स्वर्ण पदक कीनिया के सैमुअल कुमाऊ वान सिरू ने पुरुषों की मैराथन में जीता था। अब आगे आते हैं खेलकूद में। खेलकूद में बीजिंग ओलंपिक में एथलेटिक व्यक्तिक स्पर्धा के विजेता 100 मीटर एयर राइफल उसेन बोल्ट, महिला में सैली एन फ्रेजर, 200 मीटर में उसेन बोल्ट जमैका, वेरोडिका कैंपवेल ब्राउन जमैका, 400 मीटर में लास्टमैन मैरिट अमेरिका, क्रिस्टीन ओहुरुंग रुगु ब्रिटेन, 800 विल्फ्रेड मुंगी पामेला जेलियो कीनिया, 1500 मीटर रशीद रामजी बहरीन, नैन्सी जेबेट लंगाट कीनिया, 5000 केनिनिसा वैकले इथोपिया, तिरुनेस रिबाबा इथोपिया, 10000 मीटर केनिनिसा वैकले इथोपिया, तिरुनेस रिबाबा इथोपिया। 100 मीटर बाधा में महिला डॉन हार्पेट अमेरिका, 400 मीटर एंजेलो टेलर अमेरिका, मेलेनी बांकर जमैका। मैराथन सैमुअल कमाऊ वनसिरु कीनिया, कॉन्स्टेंटिना तिमेस्कु रोमानिया। 100 मीटर व 200 मीटर दौड़ों में एक साथ ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने का श्रेय उसेन बोल्ट से पूर्व अमेरिका के कार्ल लुइस 1984 लॉस एंजिल्स को था, किंतु दोनों फर्राटा दौड़ों में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक हासिल करने वाले उसेन बोल्ट पहले धावक हैं। बीजिंग ओलंपिक में अमेरिकी तैराक माइकल फ्लेप्स ने किसी एक ओलंपिक में सर्वाधिक 8 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड स्थापित किया। पुरुषों में 100 मीटर, 200 मीटर व 400 मीटर तीनों ही दौड़ों में विश्व रिकॉर्ड के साथ 3 स्वर्ण पदक जमैका के फर्राटे धावक उसेन बोल्ट ने जीता। बीजिंग ओलंपिक में मेजबान चीन ने सर्वाधिक 51 स्वर्ण पदकों सहित 100 पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। बीजिंग ओलंपिक में भारतीय दल के प्रमुख के मुर्गन को बनाया गया था। श्री मुर्गन तमिलनाडु ओलंपिक एसोसिएशन एवं वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव हैं। भारत ने पहली बार 3 ओलंपिक पदक, 1 स्वर्ण पदक व 2 कांस्य पदक जीतकर बीजिंग ओलंपिक की पदक तालिका में 50वां स्थान प्राप्त किया था। भारत को इन 3 पदकों में अभिनव बिंद्र द्वारा 10 मीटर एयर राइफल में जीता गया स्वर्ण पदक किसी व्यक्ति का स्पर्धा में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण है। साथ ही विजेंदर सिंह ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं। भारत के लिए एक और कांस्य पदक कुश्ती में सुशील कुमार ने जीता है। 56 वर्ष के अंतराल के बाद भारत के किसी पहलवान ने कुश्ती में पदक जीतने की सफलता प्राप्त की। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक के केडी जाधव ने कुश्ती में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। विगत 60 वर्षों में पहली बार इस ओलंपिक में हॉकी में भारतीय टीम शामिल नहीं थी। भारत के हॉकी अंपायर सतेंद्र सिंह को ओलंपिक में लगातार दूसरी बार अंपायरिंग का अवसर मिला। बैडमिंटन साइना नेहवाल ओलंपिक की एक स्पर्धा में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ओलंपिक खेलों के अब आंकड़े कुछ हम
रियो ओलंपिक के फैक्ट देख लेते हैं, जिसमें कि शुभांकर विनिसिस 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में 5 अगस्त 2016 को हुआ। इसके उद्घाटन ब्राजील के कार्यवाहक राष्ट्रपति माइकल टेमर ने, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख व संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख बान की मून की उपस्थिति में किया गया। उद्घाटन की रूपरेखा ब्राजीली फिल्मकार फार्निडो मिलेरस और डेनियेला थॉमस ने तैयार की थी। और रियो ओलंपिक में फ्रांस के जिमनास्ट समीर एट सैद को वॉल्ट इवेंट के दौरान बायापार टूट गया था। दक्षिण कोरिया की महिला तीरंदाजी टीम में लगातार रियो ओलंपिक में 8वीं बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। कोरिया ने फाइनल में रूस को 5-1 से हराया। कोरिया के पुरुष तीरंदाजी में टीम में भी रियो ने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, जिसमें भारत की उसमें 2016 में बैडमिंटन बीजिंग ओलंपिक में 2008 में अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता गया स्वर्ण पदक किसी व्यक्ति का स्पर्धा में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक था, एवं सुशील कुमार का दूसरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। विजय कुमार निशानेबाजी रजत अब 2012 के ओलंपिक में भारत पदक के विजेता विजय कुमार निशानेबाजी रजत पदक, सुशील कुमार कुश्ती 66 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रजत पदक, गगन नारंग निशानेबाजी कांस्य पदक, मैरी कॉम मुक्केबाजी कांस्य पदक, साइना नेहवाल बैडमिंटन कांस्य पदक, योगेश्वर दत्त कुश्ती रजत पदक। लंदन ओलंपिक में भारत 13 खेलों की 54 स्पर्धाओं में भाग लिया था। पहली बार भारत ने 6 ओलंपिक पदक 3 रजत 3 कांस्य जीता था। पदक तालिका में भारत का स्थान 55वां था। और रियो ओलंपिक में भारत की स्थिति, रियो ओलंपिक में भागीदारी है भारत के कुल 123 खिलाड़ियों का दल भेजा, जिसमें 15 खेल स्पर्धा ने भाग लिया। भारतीय खिलाड़ी मार्च पास्ट में इस बार शेरवानी के स्थान पर सूट पहनकर मैदान में आए। भारत की पीवी सिंधु ने महिला बैडमिंटन एकल का रजत पदक, साक्षी मलिक ने 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल महिला कुश्ती में कांस्य पदक, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला है, वह वॉल्ट स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। उसने जिम्नास्टिक के बेहद कठिन कहे जाने वाले स्टेप प्रोडूनोवा को सफलतापूर्वक किया था। अब आगे ओलंपिक खेलों के आंकड़ों में क्रम, स्थान, खिलाड़ियों की भाग लेने वाले प्रतियोगिता 1896 एथेंस यूनान, संख्या 245, देश 14, स्वर्ण पदकों की संख्या 43, 1900 पेरिस फ्रांस, 1225 देश 24 और स्वर्ण पदक 86, 1904 सेंट लुइस यूएसए 689 देश 13 और पदक 89, 1908 लंदन ब्रिटेन 2035 देश 22 पदकों की स्वर्ण पदक संख्या 107, 1912 स्टॉकहोम स्वीडन 2547 देश 28 स्वर्ण पदकों की संख्या 102, 1916 बर्लिन जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के कारण स्थगित कर दिया गया था, 1920 एंटवर्प बेल्जियम में 2669 देश की संख्या 29 स्वर्ण पदकों की संख्या 151, 1924 पेरिस फ्रांस 3092 देश की संख्या 44 स्वर्ण पदकों की संख्या 126, 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड 314 46 109, 1932 लॉस एंजल्स यूएसए 1408 37 117, 1936 बर्लिन जर्मनी 4066 49 129, जिसमें 1940 और 44 40 में टोक्यो जापान और 44 में लंदन ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण खेल जो है स्थगित कर दिए गए थे, 1948 लंदन ब्रिटेन 4099 59 136, 1952 हेलसिंकी 4925 59 149,
1956 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, 3184 67 145 1960 रोम इटली 5348 83 150 1964 टोक्यो जापान 5140 93 163 1968 मैक्सिको सिटी मैक्सिको 5530 112 172 1972 म्यूनिक पश्चिमी जर्मनी 7123 121 195 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा 6028 92 198 1980 मास्को USSR रसिया 5217 80 203 1984 लॉस एंजल्स USA 5797 140 221 1988 सियोल दक्षिण कोरिया 8465 159 237 1992 बार्सिलोना स्पेन 9367 159 257 1996 अटलांटा USA 10310 197 271 2000 सिडनी ऑस्ट्रेलिया 10321 210 2004 एथेंस यूनान 10625 201 देश 301 स्वर्ण पदक 2008 बीजिंग चीन 11204 देश 302 स्वर्ण पदक 2012 लंदन ब्रिटेन 10500 खिलाड़ियों की संख्या 204 देश 302 स्वर्ण पदक 2016 रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील 11545 खिलाड़ियों की संख्या भाग लेने वाले देश 205 और स्वर्ण पदकों की संख्या 306 32वां जो कि 2020 टोक्यो जापान में प्रस्तावित है। बीजिंग ओलंपिक 2008 में मूलतः 205 देशों में भाग लेना था किंतु ब्रुनोई द्वारा अपने खिलाड़ियों का पंजीकरण ना कराए जाने के कारण इन्हें भागीदारी से वंचित कर दिए गए। बीजिंग ओलंपिक में पहली बार टेबल टेनिस की व्यक्तिगत स्पर्धा में 6 पदक चीनी खिलाड़ियों ने जीते। चीन के राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में 1988 में सियोल ओलंपिक में शामिल किया गया था। 29वें ओलंपिक खेलों का समापन 24 अगस्त को बीजिंग स्थित वर्ड्स नेस्ट स्टेडियम में ही हुआ। समापन समारोह में खिलाड़ियों को मार्च पास्ट में भारतीय दल ने की अगुवाई। कांस्य पदक जीतने वाले बिजेंद्र सिंह ने की। समापन समारोह के अंत में बीजिंग के मेयर गुओ जिनलोंग ने ओलंपिक ध्वज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जेक्स रोगों को सौंप दिया, जिसे उन्होंने लंदन जहां आगामी ओलंपिक होना है के मेयर बोरिस जॉनसन को सौंप दिया। अब आते हैं राष्ट्रमंडल खेल। ओलंपिक खेलों के पश्चात राष्ट्रमंडल अथवा राष्ट्रकुल खेल, पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल समारोह, विश्व का ऐसा दूसरा सबसे बड़ा खेलोत्सव है। इस खेल समारोह का आयोजन प्रायः दो ओलंपिक खेलों के मध्य किया जाता है, जिसे ओलंपिक वर्ष कहा जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। अब तक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड एवं वेल्स ने सभी राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया है। 1934 ईस्वी में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार भाग लिया था। वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य संख्या 54 है, लेकिन खेलों में 71 टीमें हिस्सा लेती हैं। अब तक हुए राष्ट्रमंडल खेल। वर्ष, आयोजन स्थल, देश, प्रतियोगी देश, खेलों की संख्या, प्रथम स्थान, भारत के पदक, स्वर्ण, रजत, कांस्य स्थान। 1930 हैमिल्टन कनाडा, प्रतियोगी देश 11, खेलों की संख्या 6, प्रथम स्थान इंग्लैंड, भारत ने भाग नहीं लिया। 1934 लंदन इंग्लैंड, प्रतियोगी देश 16, खेलों की संख्या 7, प्रथम स्थान इंग्लैंड, भारत के पदक 1। 1938 सिडनी ऑस्ट्रेलिया 15 देश 7 खेलों की संख्या, ऑस्ट्रेलिया कोई पदक नहीं। 1950 ऑकलैंड न्यूजीलैंड देश 13, खेलों की संख्या 10, ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान, इंडिया ने भाग नहीं लिया। 1954 वैक्यूवर कनाडा,
प्रतियोगी देशों की संख्या 24, खेलों की संख्या 9, इंग्लैंड कोई पदक नहीं। 1958 कार्डिफ ब्रिटेन देश 35, खेलों की संख्या 9, प्रथम स्थान इंग्लैंड और स्वर्ण पदक 2 और रजत पदक 1 भारत के। 1962 पर्थ ऑस्ट्रेलिया 35 देशों की संख्या 9 खेल की संख्या, ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान, भारत ने भाग नहीं लिया। 1966 किंगस्टन जमैका प्रतियोगी देश 42, खेलों की संख्या 9, प्रथम स्थान इंग्लैंड, स्वर्ण पदक भारत का 3, रजत पदक 4 और कांस्य पदक 5। 1970 एडिनबरा स्कॉटलैंड प्रतियोगी देश 42, खेलों की संख्या 9, प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया, स्वर्ण पदक भारत के 4, रजत पदक 8 और कांस्य पदक 3। अगला 1974 क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड देश 38, खेल 9, विजेता ऑस्ट्रेलिया, स्वर्ण पदक 4, रजत 8 और कांस्य 3। 1978 एडमंड्स मंडन कनाडा देश 46, खेलों की संख्या 10, विजेता कनाडा, इसमें भारत के 5 स्वर्ण, 4 रजत, 6 कांस्य मिले। 1982 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया 46 देशों की संख्या, खेलों की संख्या 10, विजेता ऑस्ट्रेलिया, स्वर्ण 5, रजत 5 और कांस्य 3 भारत के। 1986 एडिनबरा स्कॉटलैंड देशों की संख्या 26, पदक खेलों की संख्या 10, विजेता इंग्लैंड और भारत ने भाग नहीं लिया। 1990 ऑकलैंड न्यूजीलैंड देश की संख्या 29, खेलों की संख्या 10, विजेता ऑस्ट्रेलिया, भारत के 13 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य। 1994 विक्टोरिया कनाडा 1964 देश 10 खेल संख्या, विजेता ऑस्ट्रेलिया, भारत के 6 स्वर्ण, 11 रजत एंड 10 कांस्य। 1998 क्वालालंपुरम मलेशिया में 70 देशों की संख्या और पद खेलों की संख्या 16, ऑस्ट्रेलिया विजेता, भारत के 7 स्वर्ण, 10 रजत, 8 कांस्य। 2002 मैनचेस्टर इंग्लैंड में 72 देशों की संख्या, खेलों की संख्या 17, विजेता ऑस्ट्रेलिया, 30 स्वर्ण, 21 रजत, 18 कांस्य के स्थान चौथावें स्थान पर रहा। 2006 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया 71 देशों की संख्या, 16 पदकों की संख्या, ऑस्ट्रेलिया विजेता, 22 स्वर्ण, 17 रजत, 11 कांस्य के साथ भारत की चौथे स्थान पर रहा। 2010 नई दिल्ली भारत देशों की संख्या 71, खेल 17, विजेता ऑस्ट्रेलिया, स्वर्ण पदक 38, रजत पदक 27 और 36 कांस्य पदक के साथ इंडिया दूसरे स्थान पर। 2014 ग्लासगो स्कॉटलैंड खेलों की देशों की संख्या 71, राष्ट्र खेलों की संख्या 17, विजेता ऑस्ट्रेलिया जिसमें स्वर्ण 38, रजत 27, कांस्य 36 के साथ सेकंड पोजीशन पे। ग्लासगो स्कॉटलैंड खेलो 71, खेल की संख्या भी 17, प्रथम स्थान इंग्लैंड का और स्वर्ण 15, रजत 29 और कांस्य 20 के साथ भारत की पांचवा स्थान। 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। राष्ट्रमंडल खेल 2010 के कुछ विशेष तथ्य। 19वें राष्ट्रमंडल खेल का औपचारिक उद्घाटन 3 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल व ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने किया। 19वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभांकर सेरा व अधिकृत गान जियो उठो बढ़ो जीतो संगीतकार एआर रहमान द्वारा तैयार किया गया था। रवांडा 2009 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल हुआ
निलंबन की अवस्था के कारण फिजी 19वें राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल नहीं हो सका। 19वें राष्ट्रमंडल खेल में शामिल 71 देश क्षेत्रों में सबसे बड़ा 619 खिलाड़ियों को अधिकारियों का दल भारत भेज का था। मार्च पास्ट में सबसे आगे ऑस्ट्रेलिया का दल और अंत में मेजबान भारत का दल था। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा मार्च पास्ट में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। उद्घाटन समारोह में सभी खिलाड़ियों की ओर से शपथ भी उन्होंने ली। 19वें राष्ट्रमंडल खेल का पहला स्वर्ण पदक नाइजीरिया की ऑगस्टिना नकेम नवा ओकेला ने भारोत्तोलक में 48 किलोग्राम वर्ग में जीता। पदक तालिका में भारत का स्थान 38, स्वर्ण रजत 27 और कांस्य पदक 36 और कुल 101 पदक मिले थे। फर्स्ट स्थान पर ऑस्ट्रेलिया था जिसके 74 स्वर्ण रजत 55 कांस्य 48 और 177 पदक मिले थे। सेकंड स्थान पर भारत था और थर्ड पोजीशन पर इंग्लैंड 37 स्वर्ण 59 रजत 46 कांस्य के साथ कुल 142 पदक। राष्ट्रमंडल खेलों में डेविस डिस्क पुरस्कार। दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का यह पुरस्कार जमैका की तिहरी कूद की एथलीट ट्रेशिया स्मिथ को राष्ट्रमंडल खेल के महासंघ वर्तमान रूप प्रमुख माइकल फेनेल ने प्रदान किया। नोट, 17 वर्षों तक राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के मानद सचिव रहे डेविड डिक्सन के नाम पर स्थापित यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल खेलों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2002 में मैनचेस्टर खेलों से की गई। 2002 में पहली बार अफ्रीका की विकलांग तैराक नताली डू टोइट को दिया गया था। भारत में समरेश जंग 2006 मेलबर्न को यह पुरस्कार दिया गया था। 19वें राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वाधिक 5 पदक जीतने का श्रेय ऑस्ट्रेलिया तैराक एलिसिया जिन काउंट को प्राप्त है। पुरुषों में सर्वाधिक 4 पदक जीतने का श्रेय भारतीय निशानेबाज गगन नारंग को प्राप्त हुआ। 19वें राष्ट्रमंडल खेल में स्क्वैश में एकल मुकाबले में 3 पदक स्वर्ण रजत कांस इंग्लैंड ने जीता। 19वें राष्ट्रमंडल खेल में ऑस्ट्रेलिया ने हॉकी एवं साइकिलिंग में पुरुष एवं महिला दोनों के वर्गों में स्वर्ण पदक जीता। 19वें राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम स्पर्धा मैराथन दौड़ 42.195 किलोमीटर के दोनों वर्गों पुरुष एवं महिला में केनियाई धावक जीते। पुरुषों में कीनिया के जान एकीरू एवं महिलाओं में कीनिया की ही इरिनी जेरोटिच कोसगोई जीती। 19वें राष्ट्रमंडल खेल भारत। 19वां राष्ट्रमंडल खेल भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा व गगन नारंग की जोड़ी ने निशानेबाजी की 10 मीटर एयर राइफल युगल स्पर्धा में जीता। पुरुषों में की हॉकी में भारत ने रजत पदक जीता जो राष्ट्रमंडल खेलों में हॉकी के लिए मिलने वाला कोई पहला पदक था। भारत के 38 स्वर्ण 27 रजत 36 कांस्य पदकों के में पुरुषों में 25 स्वर्ण 15 रजत 24 कांस्य पदक जीते जबकि 13 स्वर्ण 11 रजत 12 कांस्य पदक महिला खिलाड़ियों ने जीते। भारत में कुल 101 पदकों में सर्वाधिक 30 पदक 14 स्वर्ण 11 रजत 5 कांस्य निशानेबाजों ने जीता। व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक 4 स्वर्ण पदक गगन नारंग निशानेबाजी में जीती। व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक जीतने का भारतीय रिकॉर्ड निशानेबाज समरेश जंग के नाम है। अब एशियाई खेलों का प्रारंभ 4 मार्च 1991 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ। एशियाई खेल संघ में चमकते सूरज को अपना प्रतीक चिन्ह घोषित किया। 16वें एशियाई खेल के कुछ विशेष तथ्य। 12 नवंबर 2010 को ग्वांजू में 16वें एशियाई खेल को औपचारिक उद्घाटन में चीन के प्रधानमंत्री बोन जियाबायो ने किया। उद्घाटन समारोह किसी स्टेडियम के बजाय पर्ल नदी में स्थित हाइसिनसा द्वीप पर आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों की ओर से शपथ चीनी बैडमिंटन खिलाड़ी हू फू हाईफेंग ने रिफिक की ओर से शपथ जिमनास्ट यान निनांग ने ली। 16वें एशियाई खेल का शुभांकर ली यांगयांग था। 16वीं एशियाई खेलों का नारा थ्रिलिंग गेम्स हारमोनियस एशिया व आधिकारिक थीम गीत रियूनियन था। 16वें एशियाई खेलों में टेबल टेनिस के सभी 7 पदक चीन ने जीते। महिलाओं की कबड्डी में एवं क्रिकेट 20-20 प्रारूप को 16वें एशियाई खेल में पहली बार शामिल किया गया। जय हिंद दोस्तों, अब आगे।